हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एक्सेल में नई फाइल कैसे बना सकते हैं, पुरानी फाइल कैसे ओपन कर सकते हैं तथा सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। यदि आप भी सीखना चाहते हैं एक्सेल तो इस वीडियो को पूरा देखें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी तथा कंप्यूटर शिक्षा के लिए मेरे चैनल राकेश आर्या इजी टीवी को सब्सक्राइब करें तथा मेरी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि मेरी नई वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस वीडियो में आज हम एक्सेल में सीखेंगे नई फाइल बनाना, पुरानी फाइल को खोलना, फाइल बंद करना, प्रोग्राम बंद करना, फाइल को सेव करना तथा सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल। तो सबसे पहले हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं अपना। तो एक्सेल ओपन करने के लिए हमें यहाँ पे इस बॉक्स में टाइप करना है एक्सेल और एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ रिसेंट फाइल दिखा रहा है जो आप पहले ओपन कर चुके हैं, जिन पे आप काम कर चुके हैं, और यहाँ पे आपको दिखा रहा है कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट। तो हम यहाँ पे ब्लैंक टेम्पलेट ले रहे हैं। तो ये आपकी फाइल एक बन गई। देखिए सबसे ऊपर का जो आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि सबसे ऊपर का जो बार होता है हमारा टाइटल बार, इसमें आपकी फाइल का नाम दिया होता है। तो यहाँ पे आपको नाम दिखा रहा है बुक वन, जो बाय डिफॉल्ट नाम होता है वो बुक वन, बुक टू, बुक थ्री से ही सेव होता है। तो आपको इसको फाइल को सेव करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप फाइल पे जाकर यहाँ पे देखिए सेव आ रहा है, आप सेव पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको देखिए बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे आपका है वन ड्राइव, तो वन ड्राइव पे सेव करने के लिए आपको सबसे पहले आपके पास इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए, दूसरा आपका उधर वन ड्राइव पे अकाउंट बनाना चाहिए, जब भी आप वन ड्राइव पे फाइल सेव कर सकते हैं, अदरवाइज आप वन ड्राइव पे फाइल सेव नहीं कर सकते। तो उसके बाद है दिस पीसी, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं बहुत सारे, आप यहाँ पे कहीं पे सेव कर सकते हैं लोकेशन पे। उसके बाद अगर आप इसके अलावा किसी और लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं तो आप ब्राउज करके उस लोकेशन पे जा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे डी ड्राइव पे गए, यहाँ पे हम सेव करना चाहते हैं, यहाँ पे आप फाइल का नाम रखेंगे, मान लीजिए हम फाइल का नाम रख देते हैं, यहाँ पे फाइल का नाम रखा, उसके बाद यहाँ पे हमने सेव क्लिक कर दिया, तो आपकी ये फाइल सेव हो गई। इसी तरह से यदि आपको न्यू फाइल बनानी है तो न्यू फाइल बनाने के लिए आपको यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए न्यू का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं, जिस भी फाइल पे यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप नई फाइल बना सकते हैं। नई फाइल की शॉर्ट की आपके पास जो है वो आप यूज कर सकते हैं, देखिए कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो भी आप एक नई फाइल बना सकते हैं। इस तरह से अब आपने फाइल बना ली। अब मैंने आपको सेव के लिए बताया था, आप फाइल पे जाकर यहाँ पे सेव कर सकते हैं। इसके अलावा आप शॉर्ट की से भी सेव कर सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास जो शॉर्ट की यूज कर सकते हैं वो है कंट्रोल एस। तो ये देखिए फिर वही ऑप्शन आपके पास आ गए हैं सारे, आप इनमें जाके कहीं पे भी सेव कर सकते हैं फाइल को। तो इसके बाद आता है आपकी पुरानी फाइल ओपन करना। तो पुरानी फाइल ओपन करने के लिए आपको जाना है फाइल पर, और यहाँ पे देखिए आपके पास ओपन ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको फाइल दिखा देगा जिस भी आपको ओपन करना है। यदि आपकी फाइल जो आपने ओपन करनी है वो यहाँ पे नहीं शो कर रहा है तो आप ब्राउज करके उस लोकेशन पे जाकर उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो हमारी जो फाइल हमें ओपन करनी है यहाँ पे दिखा रहा है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी पुरानी एक फाइल ओपन हो गई है। तो अब हम फाइल को क्लोज करना चाहते हैं, तो देखिए ये भी दो तरीके से कर सकते हैं। आप फाइल पे जाएं, यहाँ पे देखिए क्लोज बटन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करके फाइल को क्लोज कर सकते हैं, या फिर आप इधर देखिए क्लोज बटन बना हुआ है आपके राइट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ टाइटल बार के साथ में, तो आप इस पर क्लिक करके क्लोज कर सकते हैं। यदि आपने फाइल सेव नहीं करी है, देखिए हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, ये हमने क्लोज कर दिया। यदि आपने फाइल सेव नहीं करी है तो आपसे वो पूछेगा, जैसे कि अब यहां पे हम फाइल सेव नहीं करी, हम इसे क्लोज करते हैं, मान लीजिए आपने फाइल सेव नहीं की, आपने फाइल बनाई किसी भी नाम से, आपने फाइल बनाई इस पे कुछ टाइप किया, अब आप यहां से क्लोज करेंगे तो आपसे वो पूछेगा क्या आपको इस फाइल को सेव करना है। यदि आपने उस फाइल को सेव करना है तो आप सेव पे क्लिक करेंगे,
नहीं करना है तो डोंट सेव पे क्लिक करेंगे, और यदि आप चाहते हैं कि फाइल सेव भी ना हो और ओपन भी रहे तो आप कैंसिल पे क्लिक करेंगे। तो आपकी फाइल अभी, यानी कि आपने अगर ज्यादा वर्किंग और करनी है आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। शॉर्ट की आपको मैं कंट्रोल एस के थ्रू बता चुका हूँ सेव करने की। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस फाइल को सिर्फ आप फाइल क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप किस शॉर्ट की का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए आप जो शॉर्ट की यूज करते हैं वो कंट्रोल डब्ल्यू। तो आपने फाइल सेव नहीं करी है इसलिए वो पूछ रहा है आपसे। तो आप फाइल मान लीजिए सेव हमने अभी क्लोज नहीं करनी है, एक तो आपकी ये शॉर्ट की हो गई फाइल क्लोज करने की। दूसरा आप फाइल पे जाके क्लोज पे क्लिक कर सकते हैं तो भी आपसे वो पूछ रहा है कि आपने फाइल सेव करनी है या नहीं करनी है। अभी हमने नहीं करनी है तो हम यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक कर रहे हैं। इसके बाद अगर आपको प्रोग्राम क्लोज करना है, अभी आप सिर्फ फाइल क्लोज कर रहे थे, हम यहाँ पे आपको मैं फाइल क्लोज करके दिखा रहा हूँ। हम दबा रहे हैं कंट्रोल डब्ल्यू और डोंट सेव करते हैं। तो ये देखिए हमारी फाइल क्लोज हुई है, प्रोग्राम क्लोज नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि हमारी प्रोग्राम भी क्लोज हो और फाइल भी क्लोज हो। तो उसके लिए हम जो शॉर्ट की यूज करते हैं वो है आपकी ऑल्ट एफ फोर, या फिर आप यहाँ से सीधे डायरेक्ट जाके भी क्लोज कर सकते हैं। मान लीजिए हमें प्रोग्राम क्लोज करना है तो हम यहाँ पे ऑल्ट एफ फोर प्रेस करेंगे तो हमारा प्रोग्राम पूरा क्लोज हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि सेव एज का हमारे पास क्या इस्तेमाल है। तो सेव एज का बेसिकली जो हम यूज करते हैं, सेव एज का इस्तेमाल करते हैं हम किसी भी फाइल को किसी अलग नाम से सेव करने के लिए, किसी और लोकेशन पे सेव करने के लिए, या किसी और एक्सटेंशन के साथ सेव करने के लिए हम सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल करने के लिए हम यहाँ पे फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए सेव एज आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो वही चीजें होंगी, आपसे लोकेशन पूछेगा और चीजें पूछेगा, आप लोकेशन वगैरह बता सकते हैं, या फिर आप F12 प्रेस करके भी सेव एज ऑप्शन सीधे ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फाइल का नाम आ रहा है, नाम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सटेंशन आ रहा है वो चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे लोकेशन आ रही है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके ऑप्शन है एक्सेल में, तो इसके थ्रू आप एक्सेल ओपन कर सकते हैं, फाइल सेव कर सकते हैं, नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं, पुरानी फाइल ओपन कर सकते हैं, प्रोग्राम बंद कर सकते हैं, फाइल क्लोज कर सकते हैं और सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और यदि आपके कोई सवाल या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे कि मेरी नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।